अरे यार ये कितनी फोटो काटा रे सुशांत भाई रे सुशांत भाई रे सुशांत सर भाई रे यहां पे भी बात सर वीडियो भी अरे मेरे घर यार कितना चिल्ला रहा है यार हां ना है ना ओके सुशांत रियली गुड टू सी यू गुड टू सी यू तो स्पेस पे है जी वो तो दूसरी फिल्म अभी पहली केदारनाथ है तो अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ ये कहना चाहूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि हम जनरली जब इफेक्ट हो जाता है तो कॉज के बारे में डिस्कस करते हैं इफेक्ट होने के पहले कॉज के बारे में कम डिस्कशन होती है तो ये फिल्म ऐसी एक आई कंग्रेचुलेट यू आई सीन द ट्रेलर आई रियली लाइक गुड कॉन्सेप्ट पुटिंग द क्वेश्चन मार्क ऑन द जी बिल्कुल अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो ये ऐसा हो रहा है और ये बहुत ही एविडेंट है और बड़ा ही अजीब सी बात है कि हम सब इतने इग्नोरेंट हैं इसको लेकर मैं जूनियर हूँ तो मैं जज नहीं कर सकता इनसे पूछिए मेरे बारे में ओके जैकी आप क्या कहना चाहेंगे नो आई थिंक ही इज अ वेरी आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड आई थिंक धोनी इट्स नॉट इजी बिकॉज यू नो वो खेल रहे थे उस टाइम पे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि यू नो क्या है देयर वर सो मेनी शॉट्स इन द फिल्म जो मुझे दो सेकंड के लिए लगा कि यार ये MS तो नहीं है and it was him so I think he did a great great job and I think the nation saw it and it was successful at the box office and I think he's one of the few actors because I'm from a film family I would say that I have a lot of respect that he's come from nowhere and made it and proved it that if you're good you will stay if you're not good then if there is nepotism or there is not you're not going to stay नहीं मैं पूछता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक्सपीरियंस बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है तो जैसा मुझे लगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो दो चीजें हैं एक मुझे कहानी सुनने में अच्छी लगनी चाहिए ताकि मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ सुनाने में और दूसरा मुझे वो ठीक से करना नहीं आना चाहिए तो वो एक तो एक्साइटमेंट है ऊपर से आप सीखना चाहते हैं तो दोनों मिलके एंगेजमेंट बना रहा था ओके केदारनाथ के बारे में यू कैन थ्रो सम लाइट जी यू सेड दैट नाउ यू वॉकिंग ऑन केदारनाथ बट इट्स इन द प्रोसेस एंड व्हेन यू आर इन द व्हेन यू आर इन द प्रोसेस देन यू लूज ऑब्जेक्टिविटी सो आई वुडंट बी एबल टू टॉक अबाउट इट अंटिल यू से दैट आई हैव वॉच्ड द फिल्म एंड आई हैव लाइक्ड द फिल्म ओके हाउ डू यू फील ऑफ द न्यू चीफ दैट इज प्रसून जोशी Oh, I'm really, really, really happy and I had a big smile on my face for like few hours. So I was really happy. जैसे कि हम बात करें तो environment की तो carbon environment की बात करें तो development और पर्यावरण दोनों साथ साथ कैसे जा आपको लगता है जा साथ साथ जा जी बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि हमारी सबसे basic instinct survival की तो अगर हम बीच में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि अभी planned हैं for profit लेकिन जब बात सर्वाइवल की आ जाएगी तो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट होगा वो हम लेकिन दिस इज अबाउट टाइम एंड वी स्टार्ट टेकिंग ड्रास्टिक स्टेप्स मुंबई जैसे शहर में अवेयरनेस कम है पोल्यूशन को लेकर आपको लगता है कि जब दिल्ली में और इवेंट फॉर्मूला अपनाया गया तो मुंबई जैसे शहर में भी अपनाया जाना चाहिए आपको क्या लगता है देखिए अपनाया तो जाना चाहिए और अगर आप नहीं अपनाएंगे तो बहुत जल्दी लोगों को पता चलने भी लगेगा अवेयरनेस आ जाएगी क्योंकि पोल्यूशन इतना होगा तो अगर हम पहले करें तो ज़्यादा अच्छा देखिए मैं काम इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा कैमरा है ये कैमरा है या छोटे पर्दे का कैमरा है बड़े पर्दे का और इसी वजह से जो मैं करता हूँ वो कर पाता हूँ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता मैंने थिएटर भी किया है कभी ऐसा नहीं सोचता कि थिएटर से टीवी और टीवी से फिल्म से प्रोग्रेशन है हम काम वही करते कैमरा बदल जाते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता थैंक यू सो मच ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही इमीडिएट इशू को लेके फिल्म बनाई गई है
और जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हम जनरली इफेक्ट के बाद कॉज को बहुत डिस्कस करते हैं, पहले अगर कर ले तो फिर शायद बहुत कुछ किया जा सकता है. वेरी वेरी वेल इंटेंशन फिल्म एंड रिक्वायर्ड फिल्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ग्रेट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो. भाई की तो अच्छी लगी, लेकिन मैं नवाज़ भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बार बार वो मुझे बताते हैं कि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन क्यों, ऐसी परफॉर्मेंस देख. जी जी, मुझे लगता है कि ये सारे डेफिनेशन बड़े सब्जेक्टिव होते हैं, कोई सही या गलत नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को लगती है किसी को नहीं लगती, तो अपने अपने लोग बायसेस से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगी. जी, उससे पहले मैं एक बहुत ही अच्छी फिल्म कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे पहले डायरेक्टर जो जिन्होंने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ केदारनाथ के बारे में सोच रहा हूँ. जी बिल्कुल, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ही लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये सारी वार्निंग्स होंगी. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैंने बोला कि ये डिस्कशन जो हो रहा है ये पूरे देश में क्या पूरे हर पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये लागू होगा मुझे लगता है. जो भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है, मैं बहुत ही टैलेंटेड और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ.